नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा की एक खली परिचर्चा की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। इसका विषय समुद्री सुरक्षा बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक मामला होगा। बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि इस परिचर्चा में यूएनएससी के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों और वहां की सरकारों के शामिल होने की संभावना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के सदस्यों के भी शामिल होने की संभावना है। वहीं पीएमओ ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे और इस खली परिचर्चा में केंद्र में समुद्री अपराध और असुरक्षा और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना ही होगा। वहीं पीएमओ ने बताया है कि यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा और समुद्रों के अपराध के कई पहलुओं पर चर्चा की है और कई प्रस्ताव पारित भी किए हैं। हालांकि ये पहली बार होगा कि समुद्री सुरक्षा पर उच्च स्तरीय और खुली चर्चा गहन तरीके से होगी। वहीं पीएमओ ने कहा है कि कोई एक देश समुद्री सुरक्षा के कई पहलुओं की चिंता नहीं कर सकता, लिहाजा यूएनएससी में इसके व्यापक विषय के रूप में आगे बढ़ाना काफी महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से दो दिनों के श्रीनगर दौरे पर पहुंचेंगे। बता दें, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद राहुल गांधी का यह पहला श्रीनगर दौरा है। हालांकि इससे पहले अगस्त 2019 में 370 हटाए जाने के दो हफ्ते बाद हालात का जायजा लेने राहुल गांधी विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन तब प्रशासन ने सभी विपक्षी नेताओं को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया था। आज देर शाम राहुल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे बह के रिसेप्शन में शामिल होंगे। वहीं बता दें, मंगलवार को राहुल गांधी राजधानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही मंगलवार को सुबह पहले 9 बजे राहुल खीर भवानी मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद खीर भवानी मंदिर श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर गांधरबल में स्थित है। इसके साथ ही बता दें, राहुल गांधी श्रीनगर स्थित हजरत बल मस्जिद भी जाएंगे और दोनों ही बड़े धार्मिक स्थल हैं। संभावना जताई जा रही है कि राहुल गुरुद्वारा छठी पातशाही और संत शेख हमाजा मखदूम की मजार पर भी जा सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं और देर शाम राहुल गांधी दिल्ली लौट जाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी का यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद वो पहली बार श्रीनगर के अंदर दाखिल होंगे और मोदी सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के कांग्रेस ने असंवैधानिक करार दिया था। वहीं कांग्रेस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है। हालांकि 370 के हटने के बाद कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं हो पाया था। जंतर मंतर पर आज महिला किसान संसद का आयोजन हो रहा है। बता दें, किसान संसद के अंतिम दिन कॉर्पोरेट भारत छोड़ो का नारा देते हुए महिला किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं आज की संसद में भाग लेने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों की महिलाएं जंतर मंतर पर पहुंचेंगी। साथ ही सोनीपत से खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में महिलाएं भाग लेंगी। साथ ही किसान संसद के अंतिम दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा और उसके साथ ही अब संयुक्त किसान मोर्चा 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि गुरनाम सिंह और मोर्चा के लिए अहम नेता हैं, साथ ही उनकी नाराजगी को जल्द दूर किया जाएगा। वहीं कुंडली बॉर्डर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में रविवार देर शाम संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य बूटा सिंह बर्जगिल ने कहा कि संसद के समानता किसान संसद चलाई जा रही है और इसमें
बता दें 70 से ज्यादा घंटे किसानों की संसद ने काम किया है और उसमें नए कृषि कानूनों, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन में पराली के प्रभाव, विद्युत संशोधन विधेयक, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बहस और चर्चा हुई है। वहीं किसान मोर्चा ने विपक्ष को चेतावनी पत्र भी जारी किया था। उसका नतीजा ये रहा कि विपक्ष ने संसद में जोरदार विरोध किया और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से आवाज भी उठाई। वहीं कई बार संसद चलने नहीं दी गई, जबकि किसान संसद का आज आखिरी दिन है और ऐसे में इसे महिलाएं चलाएंगी। साथ ही अंतिम दिन किसान संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पीएम से इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। तो बता दें, जब से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जंतर मंतर पर किसानों का ये किसान संसद चल रही है और इसीलिए आज इस किसान संसद का आखिरी दिन है। इसीलिए आज इसका संचालन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी। दिल्ली में आज महिलाएं चलाएंगी किसान संसद और इसीलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों से महिलाएं जंतर मंतर पर पहुंचेंगी। साथ ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज आखिरी दिन इसलिए क्योंकि इसके बाद किसान मोर्चा 15 अगस्त की तैयारियों में जुट जाएंगे और आज आखिरी दिन होने की वजह से आज पूरी तरह से किसान संसद का संचालन महिलाएं करेंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से महिलाएं बस में बैठकर किसान संसद में भाग लेने के लिए पहुंच रही हैं। दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों से आज किसान महिलाएं जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगी और किसान संसद का पूरी तरह से संचालन करेंगी। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय एथलीट आज स्वदेश लौटेंगे। जी हां, देश के लिए मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आज शाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू होंगे। साथ ही बता दें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कल 7 पदक जीते, जिनमें से 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बता दें, टोक्यो ओलंपिक से अब भारत के खिलाड़ी लौटने वाले हैं और इसीलिए ध्यानचंद स्टेडियम में उनके लिए कार्यक्रम रखा गया है। शाम को 6:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसमें सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। छात्र आरजेडी के कार्यक्रम में रविवार को तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू यादव के अंदाज में दिखे, मिमिक्री भी की और बीजेपी के साथ साथ बिहार में अफसरों की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाया। दरअसल तेज प्रताप ने मंच से भाषण देने के दौरान कहा कि बिहार में अफसरों का मन बढ़ गया है, पिताजी के सामने किसी की क्या औकात या हैसियत थी, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हाफ पेंट वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, स्टेज पर बोलने नहीं दिया जाता, वो सदन में भी इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि गद्दी पर तेजस्वी यादव को बैठना है। उन्होंने कहा कि आज पोस्टर को लेकर कई लोग सवाल कर रहे थे, उनको बता देता हूं कि तेजस्वी यादव दिल में रहते हैं और मैं उसका अर्जुन हूं और वो मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही छात्र आरजेडी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने थोड़े सेंटी भी हो गए और उन्होंने अपने पिता को याद भी किया। उन्होंने कहा कि झूठा मुकदमा करके पिताजी को लोगों ने अंदर भिजवा दिया, जब मैंने पिताजी से मुलाकात की थी तो मेरे आंखों में आंसू थे पर मैं रोया नहीं कि कहीं पिताजी का हौसला न टूट जाए, मेरे पिता ने लाठी खाई है।
असम मिजोरम के बीच सीमा पर हुए खूनी संघर्ष के करीब 12 दिनों बाद शनिवार देर रात आवश्यक सामग्री से लदे ट्रकों ने मिजोरम की सीमा में प्रवेश किया है। सीमा पर तनाव के मद्देनजर स्थानीय बंदिशों की ओर से प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद ट्रक धौलाई में ही खड़े थे, इसीलिए असम के मंत्री अशोक सिंघल और परिमल के समझाने के बाद आवश्यक सामग्री दवाओ डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक मिजोरम रवाना किए गए। वहीं कई वाहन चालकों ने सरकार से सुरक्षा का लिखित आश्वासन भी मांगा। साथ ही कोलासिब के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि शनिवार रात से रविवार सुबह तक 50 से ज्यादा वाहनों ने मिजोरम में प्रवेश किया है। साथ ही बता दें फिलहाल दोनों राज्यों के बीच यातायात सामान्य है और राल्टे ने कहा है कि हालांकि हम सतर्कता पर हैं क्योंकि किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 3 महीने में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए नमूनों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ज्यादातर वायरस से पीड़ित लोगों में पाया गया है। बता दें दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 80% नमूनों में डेल्टा वेरियंट मिला है। वहीं राजधानी के लिए कोविड प्रबंध नीतियां तैयार करने वाला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा किया कि जुलाई में दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 83.3% नमूनों में डेल्टा वेरिएंट का पता चला है। साथ ही मई और जून में 81.7% और 88.6% नमूनों में वेरिएंट पाया गया था। साथ ही अप्रैल में 53.9% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला था, जबकि डेल्टा से ये तो पता चला है कि अब तक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में दिल्ली के 5752 नमूनों में 1689 में डेल्टा संक्रमण पाया गया है, जबकि 900 से ज्यादा नमूनों में अल्फा संक्रमण का पता चला है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्फा और डेल्टा दोनों वेरियंट को चिंताजनक वेरियंट के रूप में वर्गित भी किया है। साथ ही बता दें कि डेल्टा वेरियंट की पहचान भारत में दिसंबर 2020 में की गई थी और उसके बाद 95 से ज्यादा देशों में इसका पता चला था। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट प्रमुख वजह रहा था, जिसने देश के लाखों लोगों को संक्रमित किया और हजारों लोगों की जान ले ली थी। वहीं अल्फा वेरिएंट को पहली बार ब्रिटेन में पिछले साल खोजा गया था। नमूने जिनमें पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट ही मिला गया है 80% नमूनों में। हालांकि देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उस समय डेल्टा वेरिएंट का ही कहर सबसे ज्यादा देखा गया था और इसीलिए लाखों लोग डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हुए थे और हजारों लोगों की जान गई थी। जबकि बता दें डेल्टा वेरिएंट अब कई देशों में मिल चुका है और डेल्टा वेरिएंट ने ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान काफी हाहाकार मचाया था। देश में कोरोना के नए मामले रोजाना 40,000 से ज्यादा आ रहे हैं। वैज्ञानिकों को मत है कि अगस्त में ही तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो आंकड़े राहत देने वाले ही हैं। दरअसल 1 मई से 1 अगस्त के बीच देश की कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में 18.9% की गिरावट हुई है। वहीं दूसरी लहर आने से पहले 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच इस रेट में 5.7% का इजाफा हुआ था। इसके बाद ही दूसरी लहर ने देश में तबाही मचाई थी। वहीं दूसरी लहर के दौरान 15 अप्रैल से 15 मई के बीच पॉजिटिविटी रेट में 3.7% की बढ़ोतरी देखी गई थी। इसकी तुलना में 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में देश में पॉजिटिविटी रेट में सिर्फ 0.1 की बढ़ोतरी हुई है।
गुजरात के अमरेली में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे करीब 10 मजदूरों को कुचल दिया। इस पूरे हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा अमरेली के सावर कुंजला के बाड़वा गाँव के पास हुआ है। हादसे के वक्त सुबह 3 बजे बताया जा रहा है, और हादसे के बाद मची चीख पुकार से इलाके में कोहराम मच गया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस आई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अमरेली जिले के सावर कुंजला के बरदा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है और बहुत ही दुखद है। हादसे के शिकार लोगों को तत्काल और उचित मदद मुहैया कराए जाने के सभी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। तो बता दें, गुजरात में आज सुबह ये भीषण हादसा हो गया। सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कई मजदूर ऐसे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस पूरी घटना पर ट्वीट किया है, दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के केस में मामूली कमी आई है। रविवार को 36,028 नए मरीज मिले, जबकि करीब 40,000 ठीक भी हो गए हैं। वहीं 447 संक्रमितों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ये लगातार तीसरा दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए हैं। इससे पहले बता दें, 6 अगस्त को 38,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले थे, जबकि 44,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए थे। वहीं 7 अगस्त को बता दें, करीब 40,000 कोरोना के मामले सामने आए थे और करीब 43,000 रिकवर हो गए थे। ये भी राहत की बात है कि नए मरीजों का आंकड़ा बीते 14 दिनों में सबसे कम है, और इससे पहले 26 जुलाई को 30,820 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। साथ ही केरल में भी कुछ केस कम होते नजर आ रहे हैं। यहां रविवार को 18,607 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 20,108 लोग ठीक हो गए हैं और 53 लोगों की जान गई है। इससे एक दिन पहले यहाँ 20,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए थे। कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड कर्नाटक SSLC परिणाम 2021 को 9 अगस्त 2021 यानी कि आज दोपहर 3:30 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें, स्टूडेंट्स अपना SLC परिणाम 2021 बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keeb.kar.nic.in पर चेक कर सकेंगे। साथ ही SSLC परीक्षा के लिए साल लगभग 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बता दें, COVID-19 के मामलों में वृद्धि के बीच बोर्ड परीक्षाएं पहली बार 6 दिन से घटाकर 2 दिन ही आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों ने हर दिन 3 सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ पेपर दिया था। वहीं छात्रों ने पहले दिन मैथ्स साइंस और सोशल साइंस के मुख्य विषय में परीक्षा दी थी, जबकि दूसरे दिन कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत जैसे भाषाओं में पेपर दिया था। साथ ही बता दें कि SEEB ने परीक्षा केंद्र और ड्यूटी पर शिक्षकों की संख्या में इजाफा किया था। हालांकि राज्य भर के 4,000 से ज्यादा केंद्रों पर 73,000 से ज्यादा परीक्षा हॉल के लिए 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए थे, और इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक इस साल सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 17 अगस्त से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्कूलों में फिजिकल क्लासेस को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। बता दें कि राज्य भर में स्कूल पिछले साल मार्च से ही बंद हैं, और तब से ही लर्निंग टीचिंग जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5 से 8 तक के लिए छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जबकि शहरों में कक्षा 8 से 12 तक के लिए छात्रों फिजिकल क्लासेस शुरू कर दी जाएगी, और इस दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि फिलहाल
ऑन कैंपस कक्षाओं को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी जहां कोविड 19 संक्रमण लगातार कम है। तो बता दें, महाराष्ट्र में जैसे कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, वहां एक बार फिर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है और ऐसे में 17 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे 9वीं से 12वीं तक के। हालांकि पिछले 1 से 1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी कोरोना के कहर को देखते हुए, लेकिन अब फिजिकल क्लासेस भी शुरू करने की इजाजत दे दी गई है शिक्षा मंत्री की तरफ से। महाराष्ट्र की और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा, सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें इसका भी ध्यान रखा जाएगा और साथ ही इसी को देखते हुए फिजिकल क्लासेस शुरू की जाएंगी 17 अगस्त से खोलने का स्कूल फैसला लिया गया है। ये लगातार तमाम स्कूल बंद थे, तमाम राज्यों के स्कूल, अब लेकिन दूसरी लहर जब कोरोना की कम होती नजर आ रही है तो धीरे धीरे तमाम राज्यों में स्कूल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए यह फैसला लिया गया है कि 17 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे और उसके बाद फिजिकल क्लासेस शुरू की जाएंगी और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जाएगा। रसोई गैस कनेक्शन लेना आजकल काफ़ी आसान हो गया है। नया कनेक्शन लेने के लिए अब तो आपको एजेंसी के चक्कर भी काटने की भी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आप एक मिस्ड कॉल करके आसानी से नई गैस कनेक्शन ले सकते हैं। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी जानकारी दे रहा है। आपको भी बता देते हैं कि इस सुविधा का फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में ट्वीट करके मिस्ड कॉल के जरिए कनेक्शन की सुविधा की जानकारी दी है। IOCL के मुताबिक नए कनेक्शन के लिए कंपनी की ओर से जारी नंबर 8454955555 पर मिस्ड कॉल करना होगा और इसके बाद कंपनी उस व्यक्ति से संपर्क करेगी और इस सुविधा का लाभ कोई भी उठा सकता है। बता दें, कंपनी आपसे संपर्क करके और आधार और एड्रेस के जरिए नया गैस कनेक्शन आपको उपलब्ध कराएगी और आपके पास यदि पहले से कोई कनेक्शन है तो आप इस नंबर के जरिए गैस रिफिल भी करा सकते हैं। साथ ही गैस रिफिल कराने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस पर कॉल करना होगा। ये तमाम जानकारी कंपनी की तरफ से ट्वीट करके दी गई हैं, यानी कि अब अगर आपको गैस कनेक्शन खरीदना है तो अब आपको एजेंसी पर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप मिस्ड कॉल नंबर पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ उस नंबर पर आपको संपर्क करना है और कंपनी खुद आपसे संपर्क करेगी। अगर आपको कनेक्शन लेना है तो कंपनी आपको खुद फोन करके आपका एड्रेस और आधार कार्ड की जानकारी लेगी और घर पर ही पहुँच कर आपका कनेक्शन लगा दिया जाएगा। साथ ही अगर गैस रिफिल करानी है तो उसके लिए भी उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपके घर पर ही गैस को रिफिल कर दिया जाएगा। अपने उम्दा अभिनय से फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का रविवार की दरमियान रात निधन हो गया। उनके एक हफ्ते पहले गंभीर हालत में उन्हें मुंबई के गोरेगांव इलाके के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें, जहां देर रात उनकी मौत हो गई है। 62 साल की उम्र में अनुपम श्याम लंबे समय से किडनी से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित थे और 62 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें, अस्पताल में मौजूद आने जाने वाले अभिनेता और अनुपम श्याम ओझा के दोस्त यशपाल शर्मा ने जानकारी दी है कि उनकी मौत की पुष्टि भी की है। साथ ही कुछ ही देर पहले अनुपम जी की मौत हुई है। ये तमाम ट्वीट उनके दोस्त की तरफ से किया गया है और उन्होंने कहा कि किडनी की समस्या से वो लंबे समय से जूझ रहे थे, जिसके चलते रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया है। लक्ष्मण झूला थाने में कनाव गांव के पास गंगा में पूजा करने गए एक पंडित तेज धार में बह गया, जबकि सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची। वहीं टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल पंडित का गंगा में कुछ पता नहीं चल पाया है। बता दें कि 42 वर्षीय मनीष रस्तोगी पूजा कराने को
कुआं गांव में गंगा किनारे गए थे और पूजा के बाद अचानक उनका पैर फिसलने से पंडित गंगा के तेज धार में बहने लगे। नजारा देख जजमान ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष प्रमोद उनियाल ने बताया है कि कुआं गांव में सिंचाई के लिए गंगा की एक छोटी नहर है, जिसके बहाव में पंडित बह गए हैं। फिलहाल नहर के गेट को बंद कर दिया गया है और एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं घटना के बाद सूचना मिलते ही पंडित के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।